बड़ी हड़बड़ आयल हूँ दीदी, कहाँ जाय था हूँ? समूह के मीटिंग है दीदी, वहीं जाई थी। एगो भैया आवे हथिन कुछ समझावे। कौची समझाई थी दीदी? जो समूह में दीदी पैसा ले देन कर ले हथिन उनकरे बारे में बतावे ला आवे ला हथिन। से ठीक है, तो तरी हम जाई थी दुकान में, आवे थी तो हम समझ। हाँ हमने जाई थी वो। सभी दीदी एवं भैया को प्रणाम। मेरा नाम राजकुमारी देवी है। मैं गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ, ग्राम करहारा के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बिमला देवी है, गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह के सचिव हूँ। मैं करहारा का निवासी हूँ। सभी दीदी एवं भैया को प्रणाम। मेरा नाम कविता देवी है, मैं गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ और कढ़हरा के निवासी हूँ। दीदी सब ठीक से बैठा। एगो भैया आवे वाला हथ समूह में, जो दीदी पैसा ले ले हा, वो दीदी के बताई थो समूह में आके कि कैसे कैसे पैसा लौटावे के चाहिए। दीदी वही आवित हथिन दीदी, एनही आवित हथिन। हाँ दीदी वही हथिन। प्रणाम भैया, आओ बैठा। ठीक है दीदी। तो भैया बतावा कि समूह में पैसा लौटावे के कौन सा आसान तरीका है? आप लोग शांत से बैठिए, कोई आसान तरीका नहीं है, सब कुछ मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। दीदी आप लोग ये बताइए कि कौन कौन ऋण लिए हैं, हाथ उठाइए। ठीक है दीदी, आप लोगों को मैं बताता हूँ सबसे अच्छा और आसान तरीका। ठीक है भैया बताइए। मान लिया दीदी समूह का कोई दीदी ने 5,000 रुपया ऋण लिए, तो समूह ने निर्णय लिया कि 10 किस्त में लौटाना है, तो 500 रुपया मूलधन बना और 100 रुपया ब्याज बना। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो माने वापस हुआ उनका 500 रुपया मूलधन और ब्याज 100 रुपया, दूसरा किस्त उन्होंने 500 रुपया मूलधन लौटाए और 90 रुपया ब्याज बना। या पहले महीना ने लिया 100 रुपया लौटाया ब्याज हुआ, फिर दूसरा महीना ने 90 रुपया कैसे हुआ? बहुत अच्छा दीदी, पहला बार आपने 500 रुपया मूलधन लौटा दिए तो आपका मूलधन बच गया 4,500 रुपया, तो 4,500 रुपया का 2% ब्याज 90 रुपया बना दीदी। तो इसलिए ही दूसरा बार में 500 रुपया मूलधन और 90 रुपया ब्याज देना पड़ा। इस तरीका से धीरे धीरे उनका ब्याज कमते जाएगा, यानी कि जितना अधिक मूलधन लौटाएंगे उतना ब्याज कम देना पड़ेगा। ठीक है भैया। पाँच सौ न रहते भैया, 200 रहते तो सीएम दीदी लेथिन कि ना लेथिन? क्यों नहीं, एकदम लेंगी। 50 रुपया भी आपका वो पैसा जमा करेंगी। कहने का मतलब ये हुआ दीदी कि आप जितने अच्छे तरीका से ऋण वापस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और समूह में मान सम्मान भी मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे समूह का आमद भी बढ़ेगा और समूह ज्यादा से ज्यादा सदस्य को ऋण भी देगा। किस्त से पहले भैया पैसा लौटाएं तो सीएम दीदी लेते कि ना? क्यों नहीं लेंगे दीदी, आप जितना पैसा जमा देंगे सीएम दीदी जमा लेंगे। समूह के पैसा ग्राम संगठनों में जीती भैया? हमने के सब पैसा तो ग्राम संगठन में चल जाए भैया, तो हमने की जरूरत पड़ते तो मिलता ही। हाँ दीदी, समूह के मांग के आधार पर ग्राम संगठन पैसा देगा, क्योंकि ग्राम संगठन ज्यादा पैसा देने की क्षमता रखता है। भैया समूह के पैसा बैंकों में जमा होता है? हाँ दीदी, अगर समूह में पैसा ज्यादा है तो घर रखने से कोई फायदा नहीं है, और वही पैसा अगर बैंक में रखेंगे तो बैंक ब्याज भी देगी और समय पड़ला पर बैंक पैसा भी देगी।
अच्छा दीदी, आप लोग शांतिपूर्वक मेरे बात को समझे, इसके लिए सभी को मेरा धन्यवाद। यहाँ आला भैया तो लेन देन के बारे में बहुत अच्छा से बताया भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, प्रणाम। प्रणाम भैया। नियमित बैठक, नियमित वापसी। मूलधन और ब्याज को किस्तों के अनुसार निर्धारण करना। वापसी समय और रुपयों का निर्धारण सदस्यों द्वारा करना। समय से पैसा।